नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं एक नई सीरीज जिसका नाम है एनहेलेशन 2099 द लास्ट नोवा, जिसमें हम जानेंगे कि जैंडर का अब आखिरी नोवा क्या कर रहा है और वो कौन है। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। ऑल राइट गैंग, तो इशू के शुरुआत में हम नोवा को देखते हैं, जो एक प्लैनेट और के नाम पे आया था और वहां के लोगों को डराता है। लेकिन तभी वहां एक लड़की आती है और उसे रोकती है। फिर उसके बाद वो नोवा एक बार में आता है और सारी पुरानी बातें याद करने लगता है। तभी वो नोवा कहने लगता है कि जैंडर बहुत खुश हुआ करता था। लेकिन फिर दूसरे डायमेंशन से एक्सो पैरासाइट ने आकर हमला किया, जिसमें उनके हाथ एक नोवा लग गया। और फिर उसे मारने के बाद मानो इन पैरासाइट्स ने मौत का तमाशा शुरू किया। मैं उस समय बहुत ही बुरे हालातों से गुजर रहा था, क्योंकि मेरी लड़ाई हल्क से हुई थी और उसमें मैं अपना हाथ और एक आंख खो चुका हूँ। लेकिन तभी मैं नोवा कॉप से मिला, जिन लोगों ने वादा किया कि वो मेरी मदद कर देंगे। और फिर उन लोगों ने मुझे उनके प्रोग्राम में शामिल किया। मैं एक तरह का उनके लिए लैब रैट था, लेकिन मुझे उससे कोई मतलब नहीं था। ये सैंडर के लोग चाहते थे कि वो मेरे अंदर के लिविंग सेल को उनके बनाए हुए मॉलिक्यूलर जनरेटर से जोड़ दे, ताकि मैं नई नस्ल के नोवा बना सकूं। और उन्होंने ये किया। उन लोगों ने मेरे साथ ये प्रयोग शुरू किया, जिसके दो पड़ाव थे। जिसके पहले पड़ाव में ऐसा लगा कि मेरे अंदर 37 ट्रिलियन छोटे सन डाल दिए हो, लेकिन मैं उससे भी बच गया। और अब मैं दूसरे पड़ाव को फील करने वाला था, लेकिन तभी उन पैरासाइट्स ने वहां पर हमला कर दिया। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम नोवा को देखते हैं, जो बार में बैठकर ड्रिंक कर रहा था। तभी नोवा उस ड्रिंक सर्व करने वाले के हाथ को देखता है, जो मशीन का था। तब ये देखकर नोवा उस आदमी से पूछता है, ये हाथ तुमने एक्सीडेंट में नहीं खोया ना? जिस पर वो आदमी कहता है, हाँ ये एक्सीडेंट के कारण नहीं हुआ है। इससे पहले मैं फार्म ट्रेन पे सिक्योरिटी का काम करता था, जहाँ पर कुछ डकैतों ने मेरा हाथ तोड़ दिया और तब से आज तक मैं ऐसे ही हाथ के साथ हूँ। ये सुनते ही नोवा चुप रह जाता है। अब कहानी फिर से पास्ट में जाती है और हम नोवा को देखते हैं, जिस पर प्रयोग करने के बाद उसका हाथ वापस आ चुका था और आग भी। और तब वो नोवा उन सारे पैरासाइट्स को मार गिराता है। तभी नोवा कहता है कि जैसा मैंने कहा था, इन पैरासाइट्स ने हमला किया था और उन लोगों ने जैंडर के हरेक नागरिकों को इन्फेक्ट कर दिया था, जिसमें नोवा भी आते हैं, पर उसमें मैं बच गया। मैंने देखा कि पैरासाइट्स ने इन सारे लोगों को अपने जैसा बना दिया है, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे इन सबको मारना पड़ा और कुछ इस तरह पूरा सैंडर खत्म हो गया। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है और हम उस आदमी को देखते हैं, जो नोवा को ड्रिंक दे रहा था। लेकिन तभी नोवा उसे रोकता है और देखता है कि बाहर कुछ गड़बड़ हुई है। तभी नोवा आसपास के लोगों की बात सुनता है, जो कह रहे थे कि ये लोग वही है। यह सुनते ही नोवा तुरंत उठ जाता है और अपनी गन्स निकालता है और बाहर आके देखता है कि कुछ सिम्बियोट से जुड़े डकैत थे। तभी उन डकैतों का लीडर कहता है, तुम लोग बच नहीं पाओगे क्योंकि नल यहाँ आने वाला है। ये कहते ही वे डकैत वहाँ के लोगों को मारने लगते है। यहाँ सारे लोग इन डकैतों को देखकर भाग रहे थे। तभी नोवा उनमें से एक आदमी को पकड़ता है और कहता है, ये लोग है कौन और ये नल सेट क्या है? जिस पर वो आदमी कहता है कि ये लोग हमेशा आते हैं और लोगों की आंखें छीन लेते हैं और उनके पुराने देवता को समर्पित करते हैं। एक समय था जब ये लोग अच्छे लोग थे, लेकिन फिर उनके यहाँ एक मीटोराइट गिर गया, जिसके बाद ये ऐसे हो गए। ये सुनते ही नोवा देखता है कि वे डकैत उसके पास आ रहे थे। तभी वे डकैत कहते हैं, ये क्या, एक कॉप? कोई बात नहीं, हम इसे भी अपने मालिक की भेंट चढ़ा देंगे। ये कहते हैं वे डकैत सिम्बियट से बनी हुई बुलेट्स नोवा पर फायर करते हैं। लेकिन तभी नोवा को वही जैंडर की बातें याद आने लगती है और तब नोवा इन डकैत से कहता है, तुम जैसे कहीं आए और कहीं गए, तुम लोगों का भी वही हाल होगा जो जैंडर के उन पैरासाइट्स का हुआ था। ये कहते नोवा दो डकैत्स को मार गिराता है। ये देखकर उन डकैतों का लीडर कहता है, तुमने वॉइड का अपमान किया है और अब मैं तुम्हें उसका दंड देकर रहूंगा। ये कहते हम देखते हैं कि वो आदमी अब पूरी तरह सिम्बियट का बन चुका है और वो अगले पल नोवा पर अटैक करता है। लेकिन नोवा उसके अटैक से बचकर सिम्बियट पर अटैक करता है, जिसके कारण उस सिम्बियट के सीने में बड़ा सा छेद बन जाता है। ये देखकर वो सिम्बियट कहता है, अच्छा हमला था पर मेरे ऊपर इसका कोई असर नहीं होगा। ये कहते वो सिम्बियट अपने सारे साथियों को अपने अंदर समाहित करता है और खुद एक बड़ा सा सिम्बियट बन जाता है। ये देखकर नोवा तुरंत उस सिम्बियट पर अटैक करता है,
लेकिन तभी वो सिम्बियोट अपना ब्लेड नोवा के पेट में घुसा देता है और फिर अपने कई सारे ब्लेड नोवा के अंदर घुसा देता है और कहता है, इन लोगों को लगता है कि हम पर मीटोराइट गिरा था, लेकिन यह बात आधी सच है। और वो ये है कि उस दिन मीटोराइट नहीं बल्कि आसमान से सिम्बियोट गिरे थे और उन्होंने हमें एक नया उद्देश्य दिया और वो उद्देश्य था नल के नाम को फैलाना। ये कहते हैं वो सिम्बियोट नोवा के शरीर पर ही खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी एक छोटी बच्ची आगे आती है और एक फल उठाकर उस सिम्बियोट पर मारती है। ये देखकर उस सिम्बियोट को गुस्सा आता है और वो उस लड़की को मारने जाता है, लेकिन तभी वो नोवा फिर से खड़ा होता है और यहाँ ये रिवील होता है कि ये नोवा असल में कोई और नहीं बल्कि वुल्वरिन है। तभी नोवा अपने क्लॉस निकालता है और उससे वो सिम्बियोट का गला काट देता है। तभी लोगन आगे आता है और अपनी नोवा एनर्जी यूज करता है और उस सिम्बियोट को जलाकर राख कर देता है। उसके बाद वो लड़की लोगन के पास आती है और कहती है, तुम ठीक हो? जिस पर लोगन कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। तभी वो लड़की लोगन से पूछती है, तुम्हारा नाम नोवा तो नहीं है, तो नाम क्या है? जिस पर लोगन कहता है कि अभी के लोग मुझे नोवा के नाम से जानते हैं, पर एक समय था जब मुझे एक नाम से जाना जाता था और वो नाम था लोगन। ये कहते हैं नोवा वहां से उड़कर कई दूर चला जाता है और यहीं पर यह इशू खत्म होता है। लेकिन पोस्ट क्रेडिट में हमें दिखाया जाता है कि कुछ पायलट्स ने कॉफिन को ढूंढ लिया है, जिसे वे लोग जैसे जैसे खोलते हैं और उसे खोलते ही वे सारे मर जाते हैं। और तब उस कॉफिन में से ड्रैकुला बाहर आता है और देखता है कि ये दुनिया अब पूरी तरह बदल चुकी है, और ये देखकर वो तुरंत अपने खून से उन सारे पायलट्स को वैम्पायर बनाकर पुनः जीवित करता है और कहता है कि अब से सिर्फ मेरा राज होगा। ये कहते ड्रैकुला और उसके लोग निकल पड़ते हैं ब्रह्मांड पर कब्जा करने के लिए। एंड दैट्स इट, ये इशू यही कंटिन्यू होता है।